नमस्कार दोस्तों, मैं हाजिर हूँ थोड़ी देर के साथ ही सही पर बोलती डिक्शनरी की अगली कड़ी के साथ। यह सच है कि सिंगरौली में बन रही बिजली से देश के तमाम इलाकों में जगमगाहट फैली है, लेकिन सच यह भी है कि सिंगरौली में बन रही बिजली से वहाँ के विस्थापितों के जीवन में अंधेरा भी है। लोगों से बात करने में किसी न किसी के मुंह से निकल ही जाता है कि बिजली की रोशनी में अंधियारे अंधियार बा, सिंगरौली में विस्थापित दर दर में ठोकरिया बा। और यह बिजली का अंधेरा एक लंबी कहानी है। शुरुआत सन 1960 से हुई रिहंद बांध बनने से, और वह 60 साल बाद आज भी विस्थापन का दौर जारी है, और जारी ही नहीं बल्कि तेज हुआ है। पहले से पहला दौर सन 1960 का था, उसके पहले इस इलाके के लोग नहीं जानते थे विस्थापन क्या है। रिहंद के विस्थापन में उन्हें नया नाम दिया गया था, उद्वासित, साहित्यिक नाम। और रिहंद का विस्थापन की कड़वाहट इतनी ज्यादा रही है लोगों में कि विस्थापन के नाम से ही चिढ़ते हैं। और देखा उन्होंने कि किस तरह से शासन परियोजनाओं के लिए स्थानीय लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह हाँक देता है। उनके साथ भी यही हुआ था। शुरू में तो अच्छी बातें कही गई कि रिहंद बांध बनने से सिंचाई होगी, खूब फसल अच्छी होगी, आपकी तरक्की होगी। लेकिन रिहंद बांध जब बनना शुरू हुआ, ये सही है कि लोगों को भी अंदाज नहीं था कि बांध क्या होता है, कितने बड़े इलाके में पानी भर जाएगा। लोग ये माने बैठे थे कि भाई बहुत हुआ तो रेण नदी के किनारे के जो 10-20-25 गांव हैं वहां तक डूब आएगी। ये कहा अंदाजा था कि 146 गांव, और बल्कि यह कहा जाए कि उस समय जो वहाँ का सबसे घना आबादी वाला इलाका था, जहाँ कई बाजार थी, घरवार में बाजार थी, कुलडुमरी बाजार थी, चतरा में बाजार थी, ये पूरा इलाका और उपजाऊ जमीन डूब में आ जाएगी। पहले तो परियोजना अधिकारियों की भी ढील थी, बाद में जब उन पे दबाव पड़ा परियोजना समय से पूरा करना है, तो फिर बहुत तेज काम हुआ। और जब उन्हें लोगों को गांव खाली कराना था, तो एक तरफ दिन में लाउडस्पीकर से कहा जा रहा था कि गांव खाली कर दें, और उसी दिन रात को डूब क्षेत्र में पानी छोड़ दिया गया। लोग घरों में पानी घुसने लगा, जान बचाकर जो कुछ भी अपने सर पे उठा सकते थे, और बाकी मवेशी माल असबाब सब छोड़कर जान बचाकर लोग ऊंचे इलाकों में जंगल में भागे थे। कहने को तो 300 ट्रकों की व्यवस्था की गई थी, लेकिन बारिश में ये ट्रक वाले भी जहां भी ट्रक फंसता सामान उतार कर भाग जाते। कई तो इस तरह सामान लेकर भाग गए, और लोग कई कई रात जंगल में अपने परिवार के साथ बिताने पड़े। यह वहाँ के भुक्तभोगी लोग बताते हैं रिहंद की त्रासदी, जो आज तक लोगों के दिमाग से नहीं हटी। और व्यवस्था क्या थी, पता नहीं कौन सी गणित से यह तय किया गया कि मुआवजा लगान का 30 गुना होगा। लगान बहुत कम थी, मुआवजा भी बहुत कम हुआ। उसके अलावा बांध बनने के पहले जो भू अभिलेख थे, लैंड रिकॉर्ड्स, उनको सुधारा जाना चाहिए था, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत थोड़े लोग जिनके नाम दर्ज थे उन्हें मुआवजा मिला, पर बाकी लोग जो जमीन तो जोत रहे थे पुरखों से, काबिज थे, लेकिन
दर्ज नहीं थे लैंड रिकॉर्ड में उनके नाम, उन्हें कुछ नहीं मिला। यह भी कागज में था कि 5 एकड़ भूमि वालों को जिनकी जमीन गई है और जो भूमि है उनको 3 एकड़ जमीन दी जाएगी, पर यह कागज में ही ज्यादा रहा, हकीकत नहीं है। जब पानी अचानक आया तो जहां जिसको जगह मिली वहां बसा और जंगल काट के फिर से धीरे धीरे अपना जीवन चलाया। इन सब बातों से और सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों की जो धांधली थी मुआवजा बांटने में और तमाम गड़बड़ियां थी, उसको लेके लोगों में भारी असंतोष था, दूर क्षेत्र के लोगों में, और आंदोलन भी हुआ। समाजवादियों के नेतृत्व में जहन बांध विरोधी आंदोलन चला और कहते हैं कि उसका नेतृत्व डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने किया था, लेकिन उस समय पंडित नेहरू जी का उत्कर्ष काल था और उनकी आवाज़ न कारखाने में टूटी बनकर रह गई थी। सिंगरौली क्षेत्र के समाजवादी विचारधारा के श्याम कार्तिक जी बताते हैं कि उस समय नारा लगता था कि डूब की जनता करे पुकार, खेत बनाकर दे सरकार, लेकिन ये नारा ही बन के रह गया। मिर्जापुर क्षेत्र के विधायक ग्रामवासी जी 12 दिन तक उन्होंने इसी मुद्दे पर अनशन किया, लेकिन सब बेकार गया। और यह विस्थापन सिर्फ यहीं तक नहीं है, यह तो सिंगरौली क्षेत्र में विस्थापन की शुरुआत थी। उसके बाद दूसरा दौर शुरू होता है ऊर्जा परियोजनाओं के आने से, एक के बाद एक कोयला खदानें, बिजली घर बनते गए और लोग जड़ते गए। फिर तीसरा दौर आया जो अभी चल रहा है सिंगरौली क्षेत्र में, और उसमें निजी कंपनियां रिलायंस, SR, रेंको, JP और न जाने कौन कौन सी आ गई हैं, जिनके अपने कैप्टिव प्लांट्स, उन्हीं के खदान हैं और उन्हीं के बिजली घर। पूरे इलाके में अफरा तफरी मची हुई है। दोस्तों आज तो यहीं तक, फिर अगली कड़ी का इंतजार करिए। नमस्कार।